नमस्कार दोस्तों, कैच लाइव विद शीतल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं अपनी नई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। और बने रहिए टेस्ट की जर्नी में मेरे साथ। आज हम बनाएंगे ब्रोकली सैलेड बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैच लाइव विद शीतल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रोकली इंडियन सैलेड रेसिपी, जो बहुत हेल्दी तो है ही, साथ में बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको अपने इंडियन स्टाइल में बनाने के लिए हमने लिया है ब्रोकली, और इसके हमने ये पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। और अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सब मर जाते हैं और ये ब्रोकली साफ हो जाती है। और इसी में हम डालेंगे एक चम्मच नमक और इसको हम रख देंगे, और यहाँ पर इसको रख देंगे, फिर बाद में इसमें से हम निकाल लेंगे साफ करके। और यहाँ पर लिया है हमने बारीक कटी हुई प्याज और गाजर, बड़े कटे हुए टमाटर, बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च, और यहाँ पर हमने लिया है टोफू, और आप चाहें तो पनीर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ 8-10 बादाम को क्रश कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पर हमने ली है बारीक हरी कटी हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, और यहाँ पर हमने लिया है चिली फ्लेक्स जो मैंने घर से ही बना लिया है, और हमने लिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो अब हम इसको, और हमें करने हैं रोस्ट बादाम, तो हम थोड़ा सा ऑयल पैन में ले लेंगे और इसमें ये क्रश किए बादाम डाल देंगे, इनको हिलाते हुए रोस्ट करेंगे, थोड़े क्रंची हो जाएं तब तक इनको रोस्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इनको निकाल लेंगे। बादाम रोस्ट हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। बादाम रोस्ट करके हमने बाउल में निकाल लिए हैं, और अब हम इसमें टोफू को रोस्ट करेंगे इस तरह से। टोफू को भी हम रोस्ट कर लेंगे, और आप टोफू की जगह पनीर भी ले सकते हैं। सभी टोफू को हमने पलट कर भी सेक लिया है, और अब हम इनको निकाल लेंगे। सभी टोफू को हमने सेक लिया है, और अब जो ये ब्रोकली हमने पानी में रखी हुई थी, तो इसे अच्छी तरह से वॉश करके अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह से सारी ब्रोकली को, और फिर उसके बाद इसको स्टर फ्राई करेंगे। सभी ब्रोकली को हमने पानी में से निकाल लिया है, और देखिए इसमें मैंने इसके डंठल भी लिए थे जो बहुत ही पौष्टिक होते हैं। चलिए स्टर फ्राई करते हैं ब्रोकली को। यहाँ हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, और हम ऑयल ले लेंगे इसके लिए, और इसमें डालेंगे हम लहसुन, अदरक का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। लहसुन को चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे, और ये देखिए भून चुका है। इसमें डालेंगे अब हम प्याज, और प्याज को हम ट्रांसपेरेंटली भूनेंगे, तो अच्छी तरह से चलाते हुए प्याज भी भूनते हुए ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और अब हम डालेंगे इसमें गाजर, गाजर थोड़ा देर से पकती है तो इसलिए इसमें सबसे पहले डालेंगे, और फिर इसके बाद डालेंगे इसमें कैप्सिकम और कुछ थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसको अच्छी तरह से चला के चला लेते हैं। इसको मिला लिया है, और थोड़ी देर इनको ढककर पकाएंगे, 2 मिनट। 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम डालेंगे इसमें ब्रोकली, और इसको भी अच्छी तरह से मिलाते हुए
इसमें ब्रोकली को भी हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। इन सभी को मिला देंगे। और 4 मिनट ढककर पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए वेजीज भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, और इसमें हम मिलाएंगे टोफू, और हम मिलाएंगे रोस्टेड बादाम, और इनको अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे। सभी वेजीज को अच्छी तरह से मिला लिया है और सारी वेजीज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। और आप देखिए ये बनकर तैयार है, तो सर्व करते हैं। ब्रोकली सैलेड बनकर तैयार है इंडियन स्टाइल में, और देखिए कितना ही लजीज और कितना शानदार और टेस्टी बना है। तो आप लोग भी इसको बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। तो अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।